के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के बासदेवपुर चकदा गांव में लोगों की जनसंख्या है 500। लगभग 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इन लोगों को राशन कार्ड अभी तक बना नहीं है। इन लोगों ने अपने अपने आवेदन 1 साल पहले बहादुरपुर प्रखंड में जमा किए। इन लोगों के पास खुद का रिसीविंग है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाह नहीं है। राशन कार्ड बन करके नहीं आया है। मैं मंगनूराम, ये है मेरा समुदाय। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र राय। जैसे हम लोग जो अप्लाई किए थे 2018 में 7वां महीना में, अभी तक जो हम लोग के जो राशन कार्ड नहीं आया बन के, ब्लॉक में भी अप्लाई किए और कलेक्टर में भी अप्लाई किए थे, अभी तक हम लोग के जो राशन कार्ड नहीं आया। हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, राशन कार्ड नहीं है चलते, और महंगाई खरीद के हम लोग लाते हैं बाहर से, गरीब मजदूर के काम करते हैं। उसके बाद बोला 1 महीना के बाद राशन कार्ड आप लोग के बन जाएगा, मगर अभी तक हम लोग के राशन कार्ड नहीं मिला है। और कहने की कितना आवेदन लिख के दिए हैं ब्लॉक में कलेक्टर में भी, मगर अभी तक जो है रिसीविंग दिया है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग के बहुत गांव में कठिनाई चलता है, कभी अभी तक जो है राशन कार्ड नहीं आया हम लोग के पास में, और बहुत हमको। कितने रिसीविंग अभी आपके पास हैं? 30। आपका नाम क्या हुआ? किशन देवी। आपको राशन कार्ड कब से नहीं मिला? बूढ़ा के नहीं मिला, मैं बूढ़ी को मिला, हमको आधा बस गुजर गया, हमको भी नहीं मिला है आज तक। आपको मिला ही नहीं? नहीं मिला है। कितने बाल बच्चे हैं? कितना, 2 ठो है, 1 ठो लड़का, 1 लड़की। मेरा परेशानी है, क्योंकि आँख से नहीं सुन रहा है। दोनों आँख से नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। आपको राशन कार्ड क्यों नहीं मिला है अभी तक? नहीं मिला है, सरकार नहीं देता है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं दिया है? नहीं मिला। इसके लिए आपने आवेदन किया था? हाँ हाँ जरूर किया। कहाँ किए थे? ब्लॉक में। रिसीविंग है आपके पास? हाँ। मैं मंगनूराम, जिला दरभंगा, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।